लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। डीएम ने स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए हैं और बारिश के चलते तमाम स्कूल कॉलेज बंद। राजधानी में भी शैक्षणिक संस्थाएं आज बंद रहेगी। रात से जारी लगातार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है और इलाकों में भरा पानी शहर के मुख्य मार्ग से हुए जलमग्न और बारिश के चलते बिजली व्यवस्थाएं भी चरमराई नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। डीएम ने स्कूल कॉलेज को बंद करने के निर्देश दे दिए हैं और बारिश के चलते तमाम स्कूल कॉलेज बंद है। राजधानी में भी शैक्षणिक संस्थाएं आज बंद और रात से जारी लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर डाला है। मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में भरा पानी और शहर के मुख्य मार्ग भी जलमग्न हुए हैं। बारिश होने की वजह से बारिश के चलते बिजली व्यवस्था भी चरमराई नजर आ रही है। लगातार बारिश हो रही है और बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद फैसला लेते हुए जिला प्रशासन की तरफ से स्कूल कॉलेज को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। रात से जारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर डाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। बिजली की जो व्यवस्था है वो भी चरमराई नजर आ रही है और यातायात भी पूरी तरह से बाधित है, जनजीवन अस्त व्यस्त। और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया गया है। बारिश के चलते तमाम स्कूल कॉलेज बंद। राजधानी में भी शैक्षणिक संस्थाएं आज बंद रहेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेगी, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश बघेल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुकेश, लगातार बारिश होने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रही है, साथ ही साथ बिजली व्यवस्था भी चरमराई नजर आ रही है। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, बताइए। लगातार बारिश के चलते यहाँ पर पूरा जो शहर है वो कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति में है। कहीं ना कहीं पूरे जो आम जीवन है वो पूरा अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को इस बारिश से खासा परेशानी हो रही है। इसी के मद्देनजर आज जिलाधिकारी द्वारा आज जितने भी शैक्षिक संस्थान है उनको बंद किया गया है। छोटे बच्चों की जो क्लासे हैं उनको उनकी सुरक्षा की दृष्टिगत ये फैसला लिया गया है। मुकेश, अगर देखा जाए तो बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमराई नजर आ रही है। स्वाभाविक है, लगातार बारिश हो रही है, जलभराव की स्थिति है, जिसकी वजह से बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमराई नजर आ रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पिछले 3 से 4 दिन हो गए लगातार बारिश जारी है। कहीं ना कहीं इससे बिजली कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। और जो फरीदाबाद की जो हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो आसपास के इलाके हैं, अगर नगर की छोड़ दिया जाए तो आसपास के इलाके हैं जहां पर कहीं ना कहीं बिजली पूरी तरह से प्रभावित है। मुकेश, अगर देखा जाए तो किसानों के फसलों पर बारिश का किस तरीके से असर पड़ रहा है? बिल्कुल, लगातार बारिश से जलभराव की समस्या है, जिससे खेतों में भी पानी भर गया और कहीं कई सैकड़ों बीघा फसल भी खराब होने का अनुमान लगातार प्रशासन का आकलन कर रहा है। और कहीं ना कहीं इसके लिए टीमें भी गठित कर दी गई है। लगातार वो जाकर चेक कर रहे हैं अब तक किसानों को कितना नुकसान हुआ है। मुकेश, यातायात की क्या स्थिति है? बारिश लगातार हो रही है, पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, यातायात की क्या स्थिति फिरोजाबाद में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, पिछले 3 दिन से लगातार बारिश बदस्तूर जारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज सुबह से थोड़ा सा मौसम खुला है, कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। लेकिन बारिश के चलते कहीं ना कहीं जो सुचारू रूप से जो आम जीवन होता है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त जरूर हुआ है। ठीक है मुकेश, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड से क्या कुछ पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। देखिए, आज 11 तारीख है, 14 तारीख तक येलो अलर्ट कुछ जिलों के लिए जारी किया गया है उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से। और ऐसे में अगर हम देखें तो आज चंपावत और उधम सिंह नगर जिले में
येलो अलर्ट जारी है खासतौर पे, और ऐसे में इन दोनों जिलों में कक्षा 1 से लेके 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो बंद करने के निर्देश पहले ही दे दिए गए थे और आज इन स्कूलों को बंद किया गया है। साफ तौर पे अगर हम देखें तो आज जिस तरीके से उधम सिंह नगर के कुछ इलाकों में और उधर चंपावत समेत आसपास पिथौरागढ़ हुआ, नैनीताल हुआ, अल्मोड़ा हुए, इन इलाकों में यानी कि कुमाऊं के इलाकों में बारिश की जो स्थिति है साफ तौर पे देखने को मिल रही है, जो कि अगर हम देखें तो जिस तरीके से प्रदेश में आज इन इलाकों में जो येलो अलर्ट जारी किया गया है, मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि आज इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश के कुछ और अन्य जिलों के लिए खासतौर पर अगर हम गढ़वाल में देख लें तो देहरादून के लिए और टिहरी के लिए मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि तेज बौछारें पड़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं। हालांकि सुबह के समय देहरादून में आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन अभी मौसम साफ है, लेकिन अभी जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके अनुसार मौसम में जो बदलाव है दोपहर के बाद देहरादून में देखने को मिल सकता है, तेज जो बौछारें हैं वो पड़ सकती हैं। ऐसे में प्रदेश के जिन इलाकों में तेज बारिश की संभावनाएं हैं उन इलाकों के लिए प्रशासनिक स्तर पे एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है, और ऐसे में उन दोनों जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है जिसमें कि उधम सिंह नगर और चंपावत है, और विशेष तौर पे प्रशासन की तरफ से अलर्ट रखा गया है ताकि तेज बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित ना हो और ऐसे में उधर लोगों को परेशानियां ना हो, क्योंकि हमने देखा जी ज्ञानेंद्र एडवाइजरी के साथ साथ व्यवस्थाएं भी की गई होंगी, क्या कुछ व्यवस्थाएं जिला प्रशासन और प्रशासन की तरफ से की गई है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से पहाड़ों में जिस तरह की स्थिति देखने को मिलती है उससे हर कोई वाकिफ है। बिल्कुल, विशेष तौर पे कुमाऊं के नैनीताल जिले के लिए, चंपावत के लिए, उधम सिंह नगर के लिए, उन इलाकों में जो संवेदनशील इलाके हैं उन इलाकों में खास तौर पे SDRF की, स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीमें, PWD की टीमें और ऐसे में JCB मशीनें जगह जगह लगाई गई हैं। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की दिक्कतें पहाड़ी जनपदों में विशेष तौर पे देखने को मिलता है, ऐसे में समय रहते सड़कों को खुलवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। हमने देखा था कि पिछले सप्ताह जब बारिश की वजह से पहाड़ों में सैकड़ों की संख्या में जो सड़कें बाधित थी, ऐसे में किस तरीके से लगातार PWD की तरफ से जो JCB मशीनें लगा के सैकड़ों की संख्या में सड़कों को खुलवाया जा रहा था, और ऐसे में अभी भी पूरे मानसून सीजन में 3000 से अधिक सड़कें बंद हुई। हालांकि समय रहते सड़कों को खुलवाने का काम स्थानीय प्रशासन PWD विभाग की तरफ से किया गया। वर्तमान में जिस तरीके से चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौड़ा में बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं तो उन इलाकों में चौकसी बढ़ाई गई है, स्थानीय स्तर पे जिला प्रशासन की निगरानी है, जिसे पहले ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से निर्देशित कर दिया गया था जिला अधिकारियों को, और अब जिस तरीके से वहां छुट्टी भी रखी गई है तो अनुमान यही है कि लोगों को परेशानियां नहीं होंगी, क्योंकि सुबह के समय ही बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतें होती है। ठीक है ज्ञानेंद्र, इसी बीच ये भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि इन दिनों चारधाम यात्रा जो है वो अपनी चरम पे है, लगातार वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे पे जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है इन दिनों, तो क्या बारिश की वजह से चारधाम यात्रा पर भी इसका असर पड़ेगा? देखिए, चारधाम का जो इलाका है, गढ़वाल का इलाका है, जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ये 3 जिले आते हैं, और ऐसे में इन इलाकों में हल्की बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जताई गई हैं। इन इलाकों में बताया गया है कि हल्की जो बारिश है वो देखने को मिल सकती है। वर्तमान में अगर हम देखें तो पिछले सप्ताह बारिश की वजह से जो सड़कें हैं, चाहे वो बद्रीनाथ के हों, केदारनाथ की हों, वहाँ सड़कें प्रभावित हुई थी, जिन्हें कि स्थानीय स्तर पर पूरी प्रशासनिक तंत्र ने, PWD विभाग ने सड़कों को खोलने का काम किया। वर्तमान में भी जिस तरीके से बद्रीनाथ मार्ग में जो लगातार जाम की स्थिति देखने को मिल रही है, ऐसे में जो स्थानीय स्तर पे नई चौकी थाने भी खोले गए हैं चारधाम के मद्देनज़र, SDRF की टीमें, NDRF की टीमें लगाई गई हैं, तो उनकी चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि हल्की बारिश की वजह से भी लैंडस्लाइड की स्थिति बनती है तो समय रहते सड़कों को खुलवाया जा सके, किसी भी प्रकार से यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, ये विशेष तौर पे रखा जा रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पर्यटक भी लगातार उत्तराखंड में दस्तक दे रहे हैं। ठीक है ज्ञानेंद्र, से भी आपको रोकना चाहूंगे, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।